हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अंशु कपूर और यह है लेक्चर नंबर 16, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और आज का टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो एक ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाता है। जैसे आप ये इधर देखिए कि यहाँ पर एक चार्ज है, इस चार्ज से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर यहाँ पे पोटेंशियल अगर है 10 वोल्ट, तो यहां से 10 सेंटीमीटर यहां भी कितना होगा 10 वोल्ट, यहां से 10 सेंटीमीटर इधर भी कितना होगा 10 वोल्ट, ऊपर भी 10 सेंटीमीटर 10 वोल्ट, नीचे भी 10 सेंटीमीटर 10 वोल्ट, इस इधर भी। तो इस इधर देखिए, इसका मतलब इसके चारों तरफ 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, पूरे 10 एंटायर 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना होगा 10 वोल्ट। ओके, तो अगर हम यहां पे चार्ज लेते हैं, यहां पर अगर पोटेंशियल V है, यहां पर पोटेंशियल V है, क्योंकि आप देखिए यहां से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर ये पोटेंशियल 10 वोल्ट है, यहां से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर ये पोटेंशियल 10 वोल्ट है, तो यहां से भी 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर पोटेंशियल होगा 10 वोल्ट, 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर पोटेंशियल होगा 10 वोल्ट। ओके, यहां से भी 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर पोटेंशियल होगा 10 वोल्ट, इधर भी 10 वोल्ट, इधर भी 10 वोल्ट। ओके, इसका मतलब इक्वल डिस्टेंस पर, ये अगर सारी डिस्टेंस इक्वल है, इक्वल डिस्टेंस पर पोटेंशियल लेंगे किसी पॉइंट चार्ज के कारण, तो वो सेम होगा। अगर मैं, ये तो हो गया टू डायमेंशन में, अगर थ्री डायमेंशन में देखे जाए तो इस पॉइंट चार्ज से यहां पर 10 सेंटीमीटर पर पोटेंशियल कितना होगा 10 वोल्ट, यहां पे 10 वोल्ट, इधर पीछे बैक साइड 10 वोल्ट। इसका मतलब इस चार्ज के चारों तरफ पूरा स्फेरिकल, इस पॉइंट चार्ज को एक स्फेयर कवर कर रहा है, और उस स्फेयर पर, उस स्फेयर के हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, तो वो जो स्फेयर है वो कहलाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, तो यहां पे अगर इसको मैं कंप्लीट कर लूं, सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर लूं, तो यहां पे मुझे एक स्फेयर मिल रहा है। ये आपको सर्किल दिख रहा है लेकिन ये टू डायमेंशन में है, इसलिए ये आपको सर्किल लग रहा है, लेकिन ये यहां से भी ये पूरा स्फेयर है, तो ये एक हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, सो दिस इज इक्विपोटेंशियल, यहां लिख देते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, तो यहां पे एक बात और आप ध्यान दीजिए कि अगर मैं यहां से इस पॉइंट को, इस चार्ज को सेंटर मानते हुए, इस पॉइंट को रेडियस लेते हुए एक और स्फीयर ड्रॉ करता हूं, तो इस स्फीयर के भी हर पॉइंट पर यह भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, क्योंकि यहां से सारी डिस्टेंस सेम है। ओके, इस पॉइंट के, इस पे भी, इस स्फीयर के भी हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, यहां पे भी एक स्फीयर लेता हूं सेम होगा। ओके, तो ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू ए आइसोलेटेड चार्ज या ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। सो इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज हम इस तरह से बनाएंगे। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, बहुत इजी है। अब दूसरी बात हम बात करते हैं कि देखो, ये तो डेफिनेशन है, एनी सरफेस दैट हैज सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन इट कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस मे बी सरफेस ऑफ ए बॉडी और ए सरफेस ऑफ ए और सरफेस इन स्पेस। इस समय इक्विपोटेंशियल सरफेस कहां है? स्पेस में, खाली जगह में। चार्ज है, चार्ज के चारों तरफ इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इस समय इक्विपोटेंशियल सरफेस कहां है? स्पेस में। लेकिन अगर हम बात करें, हमने लास्ट टॉपिक यही पढ़ा है कि किसी यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टर जिसकी रेडियस आर है, इसकी सरफेस पर हर पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होता है? के क्यू अपॉन आर। इधर भी कितना होगा? के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर, हर पॉइंट पर इसकी सरफेस पर पोटेंशियल होगा के क्यू अपॉन आर। तो ये जो पूरा सरफेस है, ये क्या हो गया स्फेरिकल कंडक्टर के लिए? एक इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इन केस ऑफ
चार्ज कंडक्टर, द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसकी जो सरफेस होगी वही इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी। ओके, तो बॉडी भी हो सकती है, फ्री स्पेस भी हो सकता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस बॉडी भी हो सकती है, बॉडी पर भी हो सकता है और स्पेस में भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के कारण किस डायरेक्शन में होता है, रेडियली आउटवर्ड, यहां से बाहर की तरफ निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, यहां से इधर की तरफ बाहर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इज रेडियली आउटवर्ड। ओके, और आपको पता है कि ये जो सरफेस है वो कौन सी सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस से कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है। ओके, यहां पे देखिए 90 डिग्री, यहां पे देखिए 90 डिग्री। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसे आगे हम फॉर्मूले से भी प्रूव कर देंगे। सो इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां पे हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से कहां होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब जरूर इस तरफ पॉजिटिव चार्ज होगा और इस तरफ नेगेटिव चार्ज होगा, ये आप सबको पता होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। ओके, अब यहां पे कहीं भी आप ये देखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम यहां पर इस पॉइंट पर अगर पोटेंशियल 10 वोल्ट होगा तो यहां भी पोटेंशियल 10 वोल्ट होगा, यहां भी 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट। ओके, तो यहां पे देखिए अगर मैं कह रहा हूं, इधर देखिए, अगर मैं कह रहा हूं कि ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, प्लस से माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल 10 वोल्ट है, तो इस पूरे यहां पे भी 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट होगा, और यहां पे अगर मैं देखूंगा तो इस पूरे पोटियर जो सरफेस और पोटेंशियल सेम है, तो यहां पर ये जो सरफेस है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। ये बात आपको समझ में आई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे है, इसकी यहां 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 इस पूरे सरफेस पर पोटेंशियल सेम होगा, तो यहां पर मैं एक एरिया बनाऊंगा और उसमें बोलूंगा ये है इस तरह से, यस, तो ये जो सरफेस मैंने इस तरह से बनाया, ये किस डायरेक्शन में रखा हुआ है, वाई जेड, वाई जेड ऐसे, तो यहां पर हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा। ओके, अब मुझे बताइए कि यहां पर भी अगर मैं एक इक्विपोटेंशियल सरफेस को बनाता हूं, ओके, ये इस सरफेस पे भी हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अब मेन बात ये आती है कि आप मुझे बताइए कि इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर पोटेंशियल ज्यादा होगा या इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर पोटेंशियल ज्यादा होगा, दो सरफेसेस हैं फर्स्ट और सेकंड, किस पर पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो इस पर पोटेंशियल ज्यादा होगा। ये बात आप थोड़ा ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट में पढ़ा था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है, पोटेंशियल ज्यादा कहां पे होगा, इधर, तो यहां पर इधर देखिए पॉजिटिव है, यहां 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 एक फिर पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा, यहां पर एक फिर इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, और जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में आगे जाते रहेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जो पोटेंशियल होगा वो डिक्रीज होता रहेगा ड्यू टू पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डिक्रीज होता है। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर पॉजिटिव के पास हाई पोटेंशियल होगा, जैसे जैसे हम टूवर्ड्स नेगेटिव जाते रहेंगे लो पोटेंशियल होगा, तो है तो ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस, है तो ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस, लेकिन डिफरेंस क्या है, इसके इस पर अगर हर पॉइंट पर पोटेंशियल 10 वोल्ट है तो इसकी हर पॉइंट पर पोटेंशियल 8 वोल्ट होगा। ओके, अगर ये दोनों सरफेस, ध्यान से देखना,
अगर ये दोनों सरफेस 10 वोल्ट और 8 वोल्ट के बीच की डिस्टेंस ज्यादा हो, एक दूसरे से दूर हो, इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। और अगर ये 10 वोल्ट 8 वोल्ट बिल्कुल पास पास हो, इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है। ये हम आगे मैथमेटिकली भी इस बात को प्रूव कर देंगे। तो अभी देखिए बात समझ में आई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरह से इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज और इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू डाइपोल। तो यहां पे मैं इधर डाइपोल एक पॉजिटिव और यहां पर एक ये पॉजिटिव और यहां पर एक नेगेटिव चार्ज लूंगा। और आपको पता है और पॉजिटिव और नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से कहां होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से होती हैं। ओके, पॉजिटिव से बाहर निकलती हैं, नेगेटिव से ऐसे अंदर आती हैं। ये बड़ा सरफेस बना, पॉजिटिव से बाहर निकलती हैं, नेगेटिव से अंदर आती हैं, पॉजिटिव से बाहर, नेगेटिव से अंदर। ओके, इस तरह से पॉजिटिव से नेगेटिव और बना सकते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव। ओके, पॉजिटिव से नेगेटिव। ओके, अब ये तो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू डाइपोल, ड्यू टू इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। अच्छा, अगर हम यहां पे इनके लिए पोटेंशियल बनाए, तो पोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस इनके लिए किस तरह से बनेगा, इस बात पे ध्यान देना। ओके, तो ये पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा ऐसे, फिर बनेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस इस तरह से, फिर बनेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे। ओके, यहां पे अगर हम और भी बना सकते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस इस तरह से। ओके, ये पूरा बड़ा बन जाएगा। यहां पे ये हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस इस तरह से बना सकते हैं, और एक ऐसे बना सकते हैं यूं ऐसे इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये बहुत बड़ा बनेगा थोड़ा। ओके, तो ये मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाया एक डाइपोल के लिए। ओके, तो यहां पे एक बात ध्यान दीजिए, आप देखेंगे यहां पर ये जो स्फेयर है इस साइड का गैप ज्यादा है, यहां पे सरफेसेस पास पास हैं, यहां पर सरफेसेस पास पास हैं, यहां पर सरफेसेस दूर दूर हैं। ओके, यहां पे भी आप देखिए दूर दूर हैं, यहां पे पास पास हैं। तो ये क्यों बनाए मैंने पास पास दूर दूर या ऐसे बना दिए, नहीं, इनका एक रीजन है। अब देखते हैं क्यों। यहां पर हम एक चार्ज रखते हैं, ओके, टेस्ट चार्ज। आपको मैंने बताया था कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लोज होते हैं, पास होते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है। इस बात को यहां पे मैं प्रूव करता हूं कैसे। आप देखिए यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कम है और ये डिस्टेंस ज्यादा है, पता लग रही है आपको, कम ज्यादा। ओके, यहां पर एक टेस्ट चार्ज है और हम इसको इधर ले जाना चाहते हैं, इस साइड ले जाना चाहते हैं, तो हमें यहां से यहां तक जाने में वर्क कितना करना पड़ेगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज को इधर की तरफ खींच रहा है, ये वाला नेगेटिव चार्ज इधर की तरफ खींच रहा है, अटैक कर रहा है, और ये पॉजिटिव चार्ज को इधर की तरफ रिपेल कर रहा है। तो हमें इसके अगेंस्ट भी कम वर्क करना है, इधर जाना है तो इसके अगेंस्ट भी वर्क करना है और इसके रिपल्शन के अगेंस्ट भी वर्क करना है, तो दोनों के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के कारण जुड़ जाएगा। क्या हम देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो यहां पर ये भी इस पर फोर्स लगा रहा है, ये भी इस पर फोर्स लगा रहा है, दो चीजों के कारण फोर्स लग रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली ज्यादा होगा यहां पर। तो यहां पर हम चार्ज रखते हैं तो केवल उसे ये ही रिपेल कर रहा है, कोई अट्रैक्ट करने वाला नहीं है यहां पर। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है। ये बात आपको पता लग गई, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग क्यों,
चार्ज को यहाँ पे टेस्ट चार्ज को ये भी रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों की कंबाइन इफेक्ट के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लोज टू ईच अदर। यहाँ भी ऐसा ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा तो पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड कम ही दूर। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऑफ टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस, तो यहां पे देखिए एक चार्ज हमने लिया ये पॉजिटिव और यहां पे भी हमने चार्ज लिया पॉजिटिव। ओके, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण किस तरह से होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने टॉपिक में हमने किया था कि जिस चार्ज डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज रिपेल होता है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है। जिस जो पार्ट टेस्ट चार्ज बनाता है, टेस्ट चार्ज को रखते हैं हम पॉजिटिव के पास, जो पाथ वो बनाता है रिपेल होता है जिस पाथ से, ये जो सारे पाथ मैं बना रहा हूं ये सारे टेस्ट चार्ज के रिपल्शन होने के पाथ हैं। ओके, इस तरह से एक पैटर्न मिल जाता है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। ओके, यहां पे ऐसे इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, इधर और उधर काउंटिंग बराबर होनी चाहिए। चलो, तो आज का हमारा टॉपिक मतलब बेसिकली ये है कि पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनाए इनके लिए। तो इधर ध्यान दीजिए ना जनाब, तो इस केस में इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा, देखिए एक तो इस तरह से, फिर बनेगा ऐसे, इस तरह से। ओके, यहां पे भी बना सकते हैं हम, बस तीन इतने बहुत है। ओके, तो आप देखिए मैंने यहां पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस रखे हैं, आप देखिए यहां पर आप ध्यान दीजिए तो पास पास है और यहां पर आप देखिए दूर दूर है। इसे मैं थोड़ा सा और दूर बना देता हूं, इसे फिर से बना देता हूं। इस तरह से मतलब दूर दूर है यहां पे आप देखिए, और यहां पर ये जो लाइंस हैं ये पोटेंशियल सरफेस हैं वो एक तरफ से पास पास और एक तरफ से दूर दूर। ओके, यहां से इस तरह से। ओके, अब मैंने बना दिए यहां पे, आप देखिए यहां पर पोटेंशियल सरफेस दूर दूर है क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, मतलब चार्ज को यहां से यहां तक इतनी छोटी डिस्टेंस तक ले जाने में जितना वर्क करना पड़ेगा उतना ही वर्क यहां से यहां तक ले जाने में करना पड़ेगा। ओके, ये बात आप ध्यान दीजिए। अब आप यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है इसलिए दूर दूर, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है इसलिए दूर दूर, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है इसलिए ये सरफेसेस पास पास है। अब आप कहोगे ये दूर क्यों है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक क्यों है, तो आप टेस्ट चार्ज रखकर देख लीजिए। ओके, यहां पे इस टेस्ट चार्ज को इधर की तरफ कौन रिपेल कर रहा है, इधर की तरफ ये वाला चार्ज इधर, और ये चार्ज इसको इधर की तरफ रिपेल कर रहा है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ कैंसिल कर रहा है ये वाला इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, क्योंकि इस पर एक फोर्स इधर की तरफ ये लगा रहा है और ये अपोजिट डायरेक्शन में से फोर्स लगा रहा है, तो नेट फोर्स इसके ऊपर डिक्रीज हो रहा है, और नेट फोर्स डिक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी नेट डिक्रीज होगी। यहां पर ये इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है और कोई चार्ज यहां नहीं है जो इसको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा के इसकी फोर्स को डिक्रीज कर रहा है, यहां पे कोई नहीं है,
तो यहां पर अगर हम चार्ज को रखते हैं तो ये फोर्स इधर लग रहा है, ये फोर्स इधर लग रहा है, नेट फोर्स डिक्रीज हो रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा तो ये पोटेंशियल दूर दूर होंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर दूर होंगे। तो ये बात आपको समझ में आई, इस तरह से हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाते हैं।